शांति। जहां पवित्रता होती है वहां सर्व शक्तियां सर्व प्राप्तियां स्वतः होती हैं। पवित्र आत्मा सदा शक्तिशाली होती है। तो आज हम यह स्वमान पक्का कर लेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान शिव पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जिस आत्मा का अपनी पांचों स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, संपूर्ण नियंत्रण हो और साथ साथ मन बुद्धि व संस्कारों रूपी तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का भी वह राजा हो, तो वास्तव में वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ऐसा सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए बहुत सहज युक्ति है। सदा स्मृति रहे कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं, मेरा स्वयं के ऊपर संपूर्ण संयम है, मैं स्वयं का राजा हूं, मैं आत्मा त्रिलोकीनाथ की संतान हूं, मेरे शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप और नई स्वर्णिम दुनिया के रचयिता हैं। उनकी संतान होने के नाते मैं आत्मा भी मास्टर रचता हूं। कितना उच्च दर्जा प्राप्त है मुझे, कैसी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बिठाया है बाबा ने मुझे। कितना रूहानी नशा चढ़ जाता है इन स्वमानों से। मेरे बाबा पांचों तत्वों के मालिक हैं और मैं मास्टर प्रकृति पति हूं। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा का आत्मविश्वास जगा दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया। बाबा आपने ही मुझे यह रचतापन और मालिकपन की स्मृति दिलाई है। अब मुझे सदैव इसी शक्तिशाली स्मृति में स्थित रहना है कि मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर रचयिता हूं। ईश्वरीय महावाक्य है कि बच्चे जितना समय तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपने मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़े रखेंगे उतना समय बाप की सर्वशक्तियां स्वतः तुम्हारे अंदर आती रहेंगी। तो आओ चले मन के विमान में बैठकर वतन की ओर, बाबा के पास परम धाम घर में, और जोड़ ले बाबा के साथ अपने मन बुद्धि की सूक्ष्म तारों को। अब मन की आंखों से स्वयं को शांति धाम में देखें। ध्यान रहे जरा सी बुद्धि भटकी तो यह तार लूज हो जाएगा और बाबा से शक्तियों का आना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है ताकि माया का आज कोई चांस उसको ना मिले।
अभी हम बाबा के साथ बहुत अनोखा रूहानी बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस। अपने मन की शुद्ध भावनाओं को हम बाबा के पास भेजेंगे, यानी दिल के उद्गारों का हम एक्सपोर्ट करेंगे और देखना उधर से स्वतः ही बाबा के सर्व खजानों का इंपोर्ट होता जाएगा। बाबा के सभी गुण व शक्तियां हमारे अंदर स्वतः आते जाएंगे। निरंतर बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करते रहें, जो दिल में है आज कह दें, अपनी शुद्ध इच्छा भी बाबा को सुना दें। दिल से बाबा की महिमा करते रहें। जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं उनके लिए बाबा का शुक्रिया करते रहें। अभी कुछ पल स्वयं ही अपने मन की बातें बाबा के साथ करेंगे और बाबा की शक्तियों को अपने अंदर आता महसूस करेंगे। हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा।
सुख मन को बस तेरी ही यादों में, दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा, ओ बाबा ये दिल अभी प्रेम से भरपूर हो, अपने मन की आंखों द्वारा बाबा की ओर देखें, जैसे कोई बच्चा एक लंबे अरसे के बाद अपने पिता से मिला हो, ऐसी खुशी उस परमानंद को महसूस करें। और दूसरी तरफ मीठे बाबा भी इस रूहानी मिलन से बहुत प्रसन्न हैं, जैसे कोई मोर खुशी में अपने पंख फैला देता है, ऐसे प्यारा बाबा अपनी किरणों को फैलाए मेरे सामने आ गया है। महसूस करें, ये किरणें ही बाबा की बाहें हैं, इन किरणों रूपी बाहों में कुछ पल के लिए समा जाएं, खो जाएं आज निराकार के प्यार में। और सर्वशक्तियों से स्वयं को भरपूर कर लें आज। बन जाएं बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिमान। अब याद करें बाबा के उस वरदान को जो कुछ दिन पहले मुरली में आया था। बाबा ने वरदान देते हुए कहा था, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। बच्चे, कोई भी कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म हो वैसे ही शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान हैं, जैसे आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर में चलती हैं, आपके ऑर्डर के बिना वे कुछ नहीं कर सकती।
ऐसी सर्वशक्तियां भी आपके ऑर्डर में चलने वाली हैं। आप इनकी रचयिता हो तो ऑर्डर करो। हे सहन शक्ति, मेरा यह कार्य सफल करो, तो देखना सफलता हुई पड़ी है। कभी ये विचार ना आए कि होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। अगर इस प्रकार का कोई डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए पहले निर्भय बनो और फिर ऑर्डर करो। तो चलिए अभी सर्व शक्तियों के वरदाता बाप से एक एक शक्ति का अनुभव करें। सबसे पहले अपने आप को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा सहन शक्ति का देव या देवी हूं। हर स्थिति में मैं आत्मा सहनशील रहती हूं। मैंने जान लिया है मेरे पारसनाथ बाबा सभी पत्थर बुद्धि आत्माओं को फिर से पूजनीय मूर्त बना रहे हैं। मेरे बाबा, आप बहुत बड़े रूहानी कारीगर हो, और यह भी सत्य है कि एक पत्थर को पूजनीय मूर्ति बनने के लिए थोड़ी बहुत हथौड़े की चोट तो सहन करनी ही पड़ेगी। तो प्यारे बाबा, जब कभी जीवन में कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो मैं आत्मा समझ जाती हूं कि मेरा बाबा मुझे तराश रहा है, पूजनीय बना रहा है। फील करें बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मेरी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कम से कम एक मिनट तक अब यही अनुभव करें। मुझे आत्मा के अंदर सागर के समान समाने की शक्ति है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं। हर बड़े से बड़ी बात को समा लेने की क्षमता मेरे अंदर है। अब चाहे कोई निंदा करे या स्तुति करे, कोई मुझे अच्छा दे या बुरा दे, चाहे मुझे मान मिले या अपमान, सब कुछ समाने की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर आ चुकी है। जिस तरह सागर नदियों या नालों का सब का पानी अपने अंदर समा लेता है और फिर भी उसका रूप रंग
परिवर्तित नहीं होता, ऐसे ही मैं आत्मा भी बाप समान मास्टर सागर बन गई हूं। मेरी स्थिति सदा एक समान रहती है। मुझे आत्मा में सामना करने की असीम शक्ति है। मेरी आत्मिक स्थिति एक ऊंचे विशाल पर्वत के समान है, जिसे माया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। मैं आत्मा हर समस्या का सामना करने में सक्षम हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं। मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है। मेरे बाबा से मुझे सदा विजयी भव का वरदान मिला हुआ है। अब कोई भी विघ्न मेरे सामने ठहर नहीं सकता, ना ही मुझे हरा सकता।
ओ प्यारे बाबा, आपकी शक्तिशाली याद ने मन में चलने वाले व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दिया है। हमारी बुद्धि को सशक्त और समर्थ बना दिया है। बाबा, आपके महावाक्य मुझे सदा याद रहते हैं कि मैं इस दुनिया रूपी मुसाफिर खाने का एक रूहानी मुसाफिर हूं, और अब यह मुसाफिरी पूरी होने वाली है। मैंने अपना बैग बैगेज सब समेट लिया है। मैं रूहानी मुसाफिर वापस घर जाने के लिए तैयार हूं। मैं आत्मा सदा एवर रेडी हूं। कहा जाता है, सर्व के सहयोग से ही सुख में संसार बनता है। इस सहयोग की शक्ति के आधार से ही मैं ब्राह्मण आत्मा बाबा के इस बेहद कार्य में मददगार बनी हूं। इस संसार से दुखों रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाने में मैं आत्मा बाबा की सहयोगी बनी हूं। यह सहयोग की शक्ति प्यारे बाबा मुझे आपसे मिली है। मैं सर्व की सहयोगी आत्मा हूं। सारा संसार ही मेरा रूहानी परिवार है। सर्व का उद्धार करना मेरी जिम्मेवारी है। प्यारे बाप दादा ने मुझे ये वरदान दिया है कि मैं सर्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूं, सर्व की सहयोगी आत्मा हूं। मीठे बाबा, आपने मुझे विस्तार को सार में लाना सिखा दिया, मुझे अंतर्मुखी बना दिया। मैं आत्मा जब चाहूं कर्म करते विस्तार में आ जाती हूं,
और जब चाहूं विस्तार को सार में समाकर सेकंड में बिंदु बन आपकी यादों में खो जाती हूं। आओ अभी एक सेकंड में बिंदु बन जाएं और बिंदु बाबा के पास चलें मन बुद्धि के द्वारा। प्यारे बाबा, आपके द्वारा सिखाए गए इस राजयोग के अभ्यास द्वारा मेरी बुद्धि की एकाग्रता
बढ़ गई है। मन का संतुलन, हम आत्माएं जो खो बैठे थे वह फिर से आपकी याद द्वारा प्राप्त हो गया है। हमारी बुद्धि अब विशाल और दूरादेशी बन गई है मीठे बाबा। अब यह मन और बुद्धि कभी हलचल में नहीं आते, सदा यथार्थ निर्णय करते हैं। ओ सर्वशक्तिमान बाबा, आपकी याद से ही मेरे अंदर अलौकिक निर्णय शक्ति आ गई है। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। परम पवित्र बाबा की पवित्र यादों में समाकर मैं आत्मा हंस बुद्धि बन गई हूं। मेरे अंदर बेहद की परख शक्ति आ गई है। जैसे कोई हंस नीर और क्षीर को अर्थात दूध और पानी को अलग कर केवल क्षीर को ग्रहण करता है, ऐसे मैं आत्मा भी अच्छे बुरे की परख करके केवल ज्ञान के मोती और गुणों के मोती स्वीकार करती हूं। मैं हंस बुद्धि आत्मा हूं। मेरे अंदर परखने की शक्ति आ गई है।
प्यारे बाबा, आपने मुझे फिर से मेरी सर्वशक्तियों की स्मृति दिलाई और मुझे अपने समान मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया। आपका बारंबार शुक्रिया बाबा। Thank you.